अगर पेशेंट मेरे पास आया हु इज़ लॉन्ग गॉन उसका डायबिटीज़ काफ़ी ख़राब है तो आई कॉन्ट स्टॉप हिज मेडिसिन ओवर नाइट तो हम मेडिसिन चालू रखते हैं लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम उनके मेडिसिन कम होते जाए जो लोग इंसुलिन लेते हैं बहुत बार हम उनका इंसुलिन बिल्कुल बंद कर देते हैं एंड दे आर ओनली ऑन मेडिसिन या अगर आप सिर्फ मेडिसिन लेके मेरे पास आए तो थ्री मंथ्स छ मंथ्स लेटर उनके मेडिसिन अगर बंद भी नहीं हुए तो बहुत कम हो जाते हैं आपके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स को डायबिटीज़ हो और आपके ब्लड टेस्ट में थोड़े रिपोर्ट्स पेप्टाइड करके जैसे भी अगर वो रिपोर्ट हमको बताएं उसको देख के हमको पता लगता है कि आपका डायबिटीज दिड़, रिवर्स हो सकता है कि नहीं लेकिन मैं कहूँगी दस में से छः या सात लोगों का हो सकता है ऐसे नहीं है कि मेरे पास जीन है डायबिटीज का या मेरे पास जीन है मोटापा का तो मुझे मोटा होना ही है या मुझे हार्ट डिजीज होनी ही है ये गलत बात है जिनको को डायबिटीज नहीं है वो प्री डायबिटिक स्टेज में है मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस है उनको अगर इस स्टेज में रोक ली जाए किसी तरीके से तो फिर आपको आगे जाकर की डायबिटीज नहीं होगी बिल्कुल डायबिटीज़ के अलावा और कौन कौन से ऐसे uh, कंडीशन है।, है, है और अगर आप डायबिटिक्स को देखें तो सब टाइप टू डायबिटिक्स को बेयर बेली होती है लॉट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट कोलेस्ट्रॉल शुगर खाने से कोलेस्ट्रॉल होता है फैट खाने से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता नॉर्मल टू घी इज द बेस्ट तो घी यूज करो कोकोनट ऑयल यूज करो uh, मस्टर्ड ऑयल यूज कर लो दीज आर गुड ऑयल्स आप शुगर ज्यादा खाओगे तो हार्ट डिजीज होनी ही होनी है आपको हमारे साथ हैं डॉक्टर विशाखा शिवदसानी जो कि एक फिजिशियन है ऑथर है और हेल्थ इन्फ्लुएंसर भी हैं और इन्होंने मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई है ये जिस मेडिसिन से डील करती है उसको कहते हैं लाइफस्टाइल मेडिसिन सबसे पहला मेरा सवाल आपसे तो ये है लाइफस्टाइल मेडिसिन क्या है तो मैं एलोपैथी भी प्रैक्टिस करती हूँ <coughs> किया है मैंने और उसके बाद वी डू लाइफ और फंक्शनल मेडिसिन जिसे मतलब वी यूज न्यूट्रिशन स्लीप स्ट्रेस रिडक्शन गट हेल्थ को देख के सप्लीमेंट्स एक्सरसाइज वो और मेडिसिन को कंबाइन करके वी ट्रीट डिजीज तो जो भी क्रॉनिक डिजीज है तो अगर ओबेसिटी है टाइप टू डायबिटीज़ है पी सी ओ एस थायरॉयड प्रॉब्लम फैटी लिवर हार्ट के प्रॉब्लम्स कोलेस्ट्रॉल इशूज़ हम ये को प्रोग्रेशन से मतलब वी वी स्टॉप द प्रोग्रेशन रोकते हैं बिल्कुल बढ़ने से रोकते हैं और इवन समाइम्स रिवर्स भी करते हैं डिपेंडिंग पेशेंट हमारे पास किस स्टेज पर आया है Uh, मेरे दो सवाल हैं सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूंगी जैसे अभी हमने मेडिसिन की बात करी तो क्या ये दवाई के रूप में होता है कंपोनेंट्स बताए कि पेट की हेल्थ हो गई नींद हो गई स्ट्रेस कम करना हो गया तो ये एक अप्रोच है एक लाइफ स्टाइल का पूरा हिस्सा है राइट या फिर इसको दवाइयों के तौर पे इलाज किया जाता है दवाइयाँ दे इसका इलाज किया जाता है दोनों तो अगर पेशेंट मेरे पास आया हु इज़ लॉन्ग गॉन उसका डायबिटीज़ काफ़ी ख़राब है तो आई कॉन्ट स्टॉप हिज मेडिसिन ओवर नाइट तो हम मेडिसिन चालू रखते हैं लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम उनकी मेडिसिन कम होते जाए तो जो लोग इंसुलिन लेते हैं बहुत बार हम उनका इंसुलिन बिल्कुल बंद कर देते हैं एंड दे आर ओनली ऑन मेडिसिन या अगर आप सिर्फ मेडिसिन ले कर मेरे पास आए तो थ्री मंथ्स छ मंथ्स लेटा उनके मेडिसिन अगर बंद भी नहीं हुए तो बहुत कम हो जाते हैं लाइफस्टाइल मेडिसिन के की वजह से। ओके okay, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपने मुझे ये बताई है कि डायबिटीज भी रिवर्स कर सकते हैं आप क्योंकि yes. हमने हमेशा ये सुना है एक बार डायबिटीज हो गई तो फिर वो जिंदगी भर रहेगी हाँ ये गलत फहमी है बहुत लोगों को लेकिन ये सब हम लाइफस्टाइल स्टाइल क्यों कहते हैं रोजमर्रा तो की जिंदगी की वजह से होने वाली है। yes, तो इसका मतलब ये भी है फिर अगर हम लाइफ स्टाइल चेंज करें तो डिजीज भी ठीक हो जाएगा तो अगर मुझे जैसी डायबिटीज हुआ है मुझे एक दो साल हो गए हैं अगर क्या मैं अगर लाइफ स्टाइल मेडिकेशन लेती हूँ लाइफ स्टाइल लेती हूँ तो क्या मेरा डायबिटीज जड़ से खत्म हो सकता है तो दो एस्पेक्ट है थोड़े लोगों को जेनेटिक्स के वजह से सब लोगों को जेनेटिक्स के वजह से आ, कुछ ना कुछ हो सकता है डायबिटीज़ में अगर आपको आपके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स को डायबिटीज़ हो और आपके ब्लड टेस्ट में थोड़े रिपोर्ट सी पेप्टाइड करके जैसे भी अगर वो रिपोर्ट हमको बताएं उसको देख के हमको पता लगता है कि आपका डायबिटीज दिव, रिवर्स हो सकता है कि नहीं लेकिन मैं कहूँगी दस में से छः या सात लोगों का हो सकता है और वो बहुत बड़ी नंबर है और ये तो डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड तो आप अभी सोचिए कि अगर मेरी परेशानी ये है कि हम लोग अगर कोई नया मेडिसिन आया या कोई नया सर्जिकल प्रोसीजर आया हम लोग न्यूज़पेपर में देख लेते हैं न्यूज़ मीडिया बात करती है सब लोग उसके बारे में बात करते हैं लेकिन लाइफ जो फ्री है एक्सेसबल है जिसके साइड इफेक्ट्स नहीं है उसके बारे में हम क्यों नहीं बात करते जी तो इसलिए मैं अपना सोशल मीडिया उसमें आई डेडिकेटेड टू दैट ताकि मैं लोगों को बता पाऊँ कि ये आपका क्योंकि क्यों आपको जेनेटिक्स की वजह से आपको डायबिटीज़ है या थायराइड है या हार्ट डिजीज़ है इसका मतलब नहीं है कि आपको होना ही होना है और आपको प्रॉब्लम ये डिजीज से होना ही होना है दिस इज इनकरेक्ट दो चीज़ है वन इज जेनेटिक्स दूसरी है एपीजेनेटिक्स एपिजेनेटिक्स का मतलब ये होता है कि आप क्या कर सकें ऐसा नहीं है कि मेरे पास जीन है डायबिटीज़ का या मेरे पास जीन है मोटापा का तो मुझे मोटा होना ही है या मुझे हार्ट डिजीज़ होनी ही है ये गलत बात है बिकॉज ऑफ एपिजेनेटिक्स मैं एक्चुअली इसको चेंज कर पाती हूँ और वो मेरे कंट्रोल में है जीन मेरे कंट्रोल में नहीं है आई कॉन्ट चूज़ माई पेरेंट्स राइट बट मैं लाइफ स्टाइल चूज़ कर सकती हूँ hmm. तो क्यों नहीं हम ये चीज़ को पूरी दुनिया को बताएं स्पेशली हमारी कंट्री को हमारा इकोनॉमिक बर्डन कितना कम हो जाएगा आपने सही बोला डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है मतलब देश में जो हमारे डायबिटीज के केसेस हैं वो दुनिया में सबसे ज्यादा हैं और ये सिर्फ बढ़ता ही जा रहा है और जिन लोगों को डायबिटीज नहीं है वो प्री डायबिटिक स्टेज में है मतलब yes, सर, है उनको. अगर इस स्टेज में रोक ली जाए किसी तरीके से तो फिर आपको आगे जा कर डायबिटीज़ नहीं होगी बिल्कुल डायबिटीज़ नहीं होगी मोटापा नहीं होगा तो पहले तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है उसके वजह से हार्ट डिजीज होता है मोटापा होती है पॉलीसिस्टिक ओवरी री पी हो सकता है फैटी लिवर हो सकता है एंड डायबिटीज़ हो सकता है तो नॉट जस्ट डायबिटीज़ ये सब डिजीज़ हम को कंट्रोल कर सकते हैं और हमने देखा है ग्रेड वन ग्रेड टू फैटी लिवर हम रिवर्स कर रहे हैं सिर्फ लाइफस्टाइल स्टाइल से ये जब मेडिसिन की जरूरत है मैं मेडिसिन प्रिस्क्राइब करती हूँ जब न्यूट्रिशन की जरूरत है सप्लीमेंट्स की जरूरत है मैं वो प्रिस्क्राइब करती हूँ दोनों कर सकती हूँ okay. लेकिन ये चेंजेस करने में ज्यादा वक्त नहीं लगता एक्सपेंसिव नहीं है सिर्फ फॉलो करने की you know, you सही जानकारी होनी चाहिए बहुत होगी आप रिवर्स कर सकते हो डायबिटीज़ को ठीक कर सकते हो अगर एक बार हो गई है फैटी लिवर को 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 हार्ट डिजीज सब कुछ को. मैं यही पूछने वाली थी कि डायबिटीज के अलावा और कौन कौन से ऐसे कंडीशन हैं या फिर बीमारियां हैं जो लाइफ स्टाइल मदद कर सकती होने फैटी लिवर जो बहुत प्रेवलेंट है हमारे कंट्री में क्योंकि वो मोटापा की वजह से होता है और अगर आप डायबिटिक्स को देखें तो सब टाइप टू डायबिटिक्स को बियर बेली होती है right? जी, जी, और उस मतलब वो जो विसरिल फैट है जो अंदर का फैट है दैट इज़ योर लिवर फैट फैटी लिवर उसमें होता है जा. तो वो रिवर्स हो सकता है एंड आर डेडली डिजीज अगर हम आगे जाने से नहीं प्रोग्रेस करने से नहीं रोके तो दे बिकम फेटल सो ऐसे नहीं है कि माइग्रेन है क्या होने वाला है या यू नो स्किन प्रॉब्लम है ऐसे नहीं है आर डिजेज जो आपको मार सकते हैं लेकिन किल यू सो यू हैव टू ऑल दी स्किन बी स्टॉप्ड सो वाई वु टेल आ कर लो यू सेव योर सेल्फ फ्राम टेकिंग एक्सपेंसिव मेडिसिन यू सेव योर सेल्फ फ्रॉम साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन बहुत लोगों को लगता है कि कोलेस्ट्रॉल एलिवेटेड है तो मतलब हार्ट डिजीज होनी है होनी है गलत बात है ये लॉट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट कोलेस्ट्रॉल शुगर खाने से कोलेस्ट्रॉल mm -hmm. होता है फैट खाने से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता फैट खाने से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता नहीं बढ़ता फैट कोलेस्ट्रॉल फैट खाने से मोटापा नहीं होता मैंने इतनी <laughs> इतने वीडियोस किए हैं इसके बारे में जो वायरल हो चुके हैं अभी इतनी स्टडीज हैं देखिए देयर इज फैट एंड देयर इज गुड फैट एंड देयर इज बैड फैट तो आप बैड फैट खाने से ऑफ हार्ट डिजीज हो सकता है <laughs> गुड फैट खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा गुड फैट्स खाने से आपका मोटापा नहीं बढ़ेगा गुड फैट और बैड फैट के बीच में जो फर्क है आप ऐसे खाने से समझा सकती हैं कि ये गुड फैट है और ये बैड फैट है तो विच इज मीडियम ऑफ ऑयल तो सब जो वेजिटेबल ऑयल और सीड ऑयल्स हैं जो हमारे मोस्ट हमारे घर में यूज करते हैं दो शुड नॉट बी यूज इन्फ्लेमेशन के वजह से फैटी लिवर होता है इन्फ्लेमेशन के वजह से हार्ट डिजीज़ होती है इन्फ्लोमेशन के वजह से गट प्रॉब्लम होते हैं तो वो नहीं यूज़ करने आर नॉर्मल ए टू घी इज़ द बेस्ट तो घी यूज़ करो कोकोनट ऑयल यूज़ करो मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर लो दीज़ आर गुड ऑयल्स फॉर यू तो अगर आप गुड फैट यूज़ करें कुछ नहीं प्रॉब्लम होगा तो पीपल आर वेरी स्केर्ड कि मैंने फैट खा लिया मेरे को हार्ट डिजीज़ होने वाली गलत बात है आप शुगर ज़्यादा खाओगे तो हार्ट डिजीज़ होनी ही होनी है आपको तो एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल लिपिड प्रोफाइल जब हम देखते हैं उसमें एक नंबर है ट्राइग्लिसराइड और एच वो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है ट्राइग्लिसराइड इज़ द बैड फैट एच इज़ योर गुड कोलेस्ट्रॉल अगर आप ट्राइग्लिसराइड को कम रखें स को ज़्यादा मात्रा में रखें, कुछ हमारे को, और आई एम श्योर बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये चीज नहीं भी मालूम होगी डायबिटीज वाली बात तो भाई आई थिंक बहुत लोगों के लिए नई है थैंक यू सो मच डॉक्टर विशाखा ने हमसे बात करी हमें समय दिया थैंक यू सो प्लेजर थैंक यू